नमस्कार। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के बड़े गजब रहे हैं। आपको पता लगेगी एक एक अंदर की खबर, और ये भी पता चलेगा कि हुआ क्या है। एक थप्पड़ की खबर है। थप्पड़ की खबर आपने पहले से ही सुनी होगी, लेकिन मैं बताऊंगा कि एक खबर लीक क्यों हुई और क्या इसके पीछे गेम चल रहा है। लेकिन एक खबर और, देर रात एक खबर आई कि बाजवा साहब ने पिछले 6 साल में अरबों की प्रॉपर्टी जुटाई और उसकी डिटेल्स भी आई। बाजवा के दोनों बेटों की प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं मिल पाई। ये एक वेबसाइट ने दी, ये उसी वेबसाइट ने दी जिसने वो दूसरे बाजवा की खबर दी थी कि उसके पास पापा जॉन्स के पिज्जा के आउटलेट्स हैं। इसको डिनाई करना मुश्किल काम है। बाजवा को जाना है, 29 तारीख को रिटायरमेंट डेट है, आज हो चुकी है 21, और 21 तक बाजवा जाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कि ये 21 तक जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई नया आर्मी चीफ अब तक बताया नहीं गया है, आर्मी चीफ का नाम आया नहीं है। कोशिश ये की जा रही है बाजवा की तरफ से कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ बने या वो खुद ही बन जाए। उनकी पूरी कोशिश ये रही कि वो खुद एक्सटेंशन ले जाए, लेकिन दी नहीं गई। अब उनको उनकी ये कोशिश है कि मेरी मर्जी का बने, और उसी प्रोसेस में बोलिए शाहबाज शरीफ ने लीक कराई या किसी ने भी लीक कराई, लेकिन उस आदमी ने लीक कराई जिसने, जो ये चाहता था कि बाजवा को एक्सटेंशन ना मिले। ये डिटेल्स क्या है? अब ये डिटेल्स ये हैं कि पिछले 6 सालों में बाजवा और उनके परिवार ने कितनी संपत्ति जुटाई है। डिटेल्स भी दी गई हैं, और डिटेल ये हैं कि बाजवा के बेटे की वाइफ, जो कि उनके दोस्त की वो भी है, दोस्त की बेटी भी है, नाम है मनहूर। मनहूर को शादी से सिर्फ 9 दिन पहले उसके नाम पे करोड़ों की नहीं, अरबों की संपत्ति आई। संपत्ति की डिटेल्स हैं। और मनहूर की 3 बहनें, जिनकी नाम पे 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी नहीं आई, वो उसी हालत में रही। वो कैसे आई? और 3 दिन पहले, वो 9 दिन पहले जो प्रॉपर्टी आई है, उस प्रॉपर्टी को बैक डेट में मनहूर के नाम पे किया गया। ये डिटेल्स साथ में, शादी से पहले एक 8 प्रॉपर्टीज गुजरांवाला में उनके नाम पे, मनहूर के नाम पे डाली गई। साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन वन हयात अपार्टमेंट भी मनहूर के नाम पे कराए गए। इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, कहां से आई, बैकग्राउंड क्या था? मनहूर के जो पिता हैं, यानी कि उनकी बहू के जो पिता हैं, बाजवा साहब के पुराने दोस्त हैं। और ये जनरल साहब की जो पिछले 6 साल की कहानी है, पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है इस डॉक्यूमेंट में। और इस डॉक्यूमेंट में ये बोला गया कि भाई ये देखो, ये जनरल साहब हैं, इनकी वाइफ टैक्स तक पे नहीं करती थी, अब टैक्स के साथ बहुत कुछ पे कर रही है। ये जो वेबसाइट है फैक्ट फोकस, ये इसने दिया है। टैक्स पे करना तो दूर की चीज, जी टैक्स तो पे कर ही रही है मैडम। फैक्ट फोकस जो बता रहा है उसके हिसाब से टैक्स पेयर नहीं थी, और आज अरबों की संपत्ति है 6 साल में। 6 साल में ये जॉइंट बिजनेस दोनों फैमिलीज ने खोले हैं। मनहूर के फादर ने, जो के दोस्त हैं, अच्छा दोस्त जो है पहले से बिजनेसमैन थे, लेकिन अरबपति नहीं थे। ये फैमिली, यानी कि बाजवा के पास भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेफ्टिनेंट जनरल बनने तक बहुत ज्यादा, जितना आर्मी वाले कमाते हैं उतना कमाते हैं, ये अरबों की संपत्ति नहीं थी। ये डिटेल भी इसमें फैक्ट फोकस में दी गई है। साथ में ये भी बोला कि हाउसेस बाहर घर खरीदे गए, अमेरिका में, पाकिस्तान में फार्म हाउसेस खरीदे गए, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खरीदे गए, एक बाजवा साहब की वाइफ के नाम पे और बहू मनहूर के नाम पे। अब ये चीजें आगे कैसे खुली और कितना खुला, इस फैक्ट फोकस ने इतनी इन्वेस्टिगेशन की, पूरी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ आए। उन्होंने ये भी बोला कि बाजवा के बच्चों के खिलाफ, उनको बेटों के खिलाफ कुछ खास नहीं मिला। अब जहां तक बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं फॉरेन में, एक कंपनी TAXX टैक्स नाम की एक कंपनी खोली गई। ये कंपनी बाजवा साहब की वाइफ ने खोली जब वो जनरल बने, और उस जिस कंपनी की ब्रांचेस अक्रॉस पाकिस्तान बड़ी स्पीड से खुली। ये तेल में काम करती थी, पेट्रोलियम में, मनहूर इसी में मैनेजर का काम करती थी। और मैनेजर का काम करने के साथ साथ ये भी हुआ कि इसमें भी इनको फायदा मिला, मनहूर को भी और बाजवा साहब की वाइफ को भी। बाजवा साहब की वाइफ जो है, उन्होंने कई अरबों की संपत्ति खरीदी,
रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लाजास, और जिसे बोलते हैं ग्रीनबर्ग, गुलबर्ग ग्रीन, एक इस्लामाबाद में फार्म हाउसेस वहां पे हैं, वहां फार्म हाउसेस खरीदे गए। भाजपा साहब की वाइफ के पास दो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी मिले लाहौर में जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। इससे पहले उनके पास कुछ खास था नहीं। अब जनरल साहब की वाइफ के पास अमेरिका में बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें अभी की सिचुएशन बताई जाए, लेटेस्ट जो लेटेस्ट उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उस हिसाब से उनके पास $5 लाख है अमेरिका के अकाउंट में। ये अमेरिका में अकाउंट कैसे खुले ये भी पता नहीं। और ये जो टैक्स TAXX पाकिस्तान, जो कि ऑयल की ट्रेडिंग फर्म है, ये 2018 में खुलेगी भाजपा के बनने के बाद, चीफ बनने के बाद। 2016 में भाजपा चीफ बने है ना, उसके बाद से इसने अपना हेडक्वार्टर कंपनी का, इस कंपनी का हेडक्वार्टर बना दुबई में। हालांकि ये कंपनी स्टार्ट पाकिस्तान में ही हुई थी, और मनहून यानी कि उनकी बहू, बहू के फादर और उनके भाई दोनों इसमें डायरेक्टर है। ये इसने एक्सपैंड किया कंपनी ने, टैक्स पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान में, और ये सारे बिलियनर बने। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 6 साल में इन्होंने क्या क्या किया। एसेट्स जो है, जो बोला जा रहा है पिछले 6 साल में, वो 1200 करोड़, 1200 करोड़ के आसपास के प्रॉपर्टी सिर्फ आयशा के नाम के है, जो कि बाजवा साहब की वाइफ है। बताया जा रहा है 2013 में, इसी 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 वेबसाइट के द्वारा 2013 में बाजवा साहब की वाइफ ने डिक्लेयर किया था कि उनके पास छोटे 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 3 प्लॉट थे 2013 में। ये 2013 से आगे 17 तक बढ़े तो 2 कमर्शियल प्लॉट आ चुके थे 2017 तक, और उसके बाद 2018 में ये 2 प्लॉट बढ़ के 5 प्लॉट बन गए, वो भी बड़े बड़े कॉमर्शियल। मैं आपको बताऊंगा ओएसएस फार्म DHA कराची में, साथ में अपार्टमेंट जिसको जिसको PFA कराची में बताया जा रहा है, हाउसिंग स्कीम में 4 मरले का कॉमर्शियल प्लॉट लाहौर में, दूसरा एक और कॉमर्शियल प्लॉट लाहौर में, और एक अपार्टमेंट 2730 फुट का इस्लामाबाद में, जिसका एडवांस पेमेंट किया गया था, और एक फॉरेन में बैंक अकाउंट जिसमें $3,84,000 थे। ये प्रॉपर्टी बढ़ी कैसे, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये $3,84,000 2019 तक बढ़ के 6,56,000 पड़ गए। अब 6,56,000 से आगे प्रॉपर्टी भी बढ़ी और प्रॉपर्टीज खरीदी गई। 2021 में 10 प्रॉपर्टी थी इनकी, भाजपा साहब की वाइफ के नाम पे, सारी डिटेल्स हैं, और फॉरेन अकाउंट में $5,91,000 थे। अब ये कहानी भी आ गई। चलिए अब बात करते हैं मनहूर की। मनहूर जो है ये अपनी फर्म चलाती थी, इस इनके से इसी के, ये बाजवा साहब की वाइफ की फर्म में थी और उस फर्म में मैनेजर थी 2019 से। उसके बाद बहू बन गई तो फिर उसके बाद तो प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई। अब बाजवा साहब के खिलाफ ये बात आज क्यों खुली है, ये इसलिए खुली है कि बाजवा को लोग नहीं बनने देना चाहते दोबारा आर्मी चीफ। बाजवा ने इतना पैसा कमा लिया है, साथ में पैसा कमाने के साथ साथ बाजवा के खिलाफ जितने लोग अपन खुद बनना चाह रहे हैं आर्मी चीफ, हो सकता है उनका भी हैंडीवर्क हो। लेकिन शाहबाज शरीफ का कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये भी बोला गया शाहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ किसने मारा, 111 ब्रिगेड के चीफ ने, ऐसा बताया गया, मैं वहां नहीं था। लेकिन ये थप्पड़ों की जो खबरें आ रही हैं, इससे पहले भी आई थी कि इमरान खान को मारा गया, अब ये आई है कि इसको नवाज शरीफ को, शाहबाज शरीफ को मारा गया, सॉरी शाहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया, बाजवा को नहीं, शाहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया। क्यों मारा गया, इसलिए मारा गया कि शाहबाज शरीफ वो नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो बाजवा दे रहे थे, बाजवा नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए, तो इसलिए मारा गया, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे काम किया है, बहुत सारे जर्नलिस्ट इस पे बोले हैं, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था इसका, मतलब कॉन्क्रीट एविडेंस इसके कहीं से कंफर्म नहीं हो रही थी खबर, तो मैंने इस खबर पे थोड़ा सा स्लो डाउन करने की सोची। अब इसके बाद एक 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 ट्विटर पे एक फॉलोअर हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने भी मुझे ये खबर बताई कि तुम, उन्होंने बोला कि तुम कहाँ हो यार, इतनी बड़ी खबर हो रही है। मैंने कहा जना मेरे को तो ऐसी कोई खबर मिल नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे 2-3 लिंक भी भेजे, लेकिन उस लिंक से भी कुछ खास हो नहीं पाया। लेकिन मैं उन साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कुछ कहीं से भी उनको इंडिकेशन मिली तो उन्होंने मुझे बताया। थैंक्स अ लॉट, मैं आपका आभारी हूं। साथ में
ये खबर इसलिए लीक की गई थी कि 111 ब्रिगेड के चीफ ने मारा, कि भाजपा साहब बताना चाहते थे कि मेरी 111 ब्रिगेड में, आप भी आर्मी चीफ हो, मेरी 111 ब्रिगेड तैयार है भाजपा को काउंटर करने के लिए। या उस बोलिए थप्पड़ की अफवाह का बदला, या थप्पड़ एक्चुअल में मारा गया था उसका बदला भाजपा को बदनाम करने के लिए, ताकि उनके लेफ्टिनेंट जनरल साहब उनके साथ ना खड़े हों, ये खबर लीक की गई है। और ये खबर कल हंगामा बचाएगी, ये खबर चारों ओर फैली होगी, कल क्या मतलब आज ही फैल जाएगी और आज ही मचा देगी पूरा उस चारों ओर हंगामा। इस खबर पे हमारी पैरिक नजर होगी, लेकिन भाजपा का इस खबर के लीक होने के बाद भाजपा का जाना तय हो गया। अब भाजपा पक्का जाएंगे और अगला आर्मी चीफ कौन होगा किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन अगले 8 दिन हमें हमें नजर पैनी रखनी पड़ेगी। क्यों पैनी रखनी पड़ेगी? कि कहीं एक्चुअल में भाजपा अपनी पावर पे, यानी कि अपनी उस सिचुएशन पे, यानी कि अपनी उस कुर्सी से चिपकने के लिए 111 ब्रिगेड को वाकई में एक्टिवेट तो नहीं करते। हो सकता है कर दे, क्योंकि नवाज शरीफ को आखिरकार ये भाजपा ने तो भगाया था और सन्यासी दिलवा दिया था एक तरीके से। अब नवाज शरीफ चाहते हैं कि बाजवा गायब हो, भाई पसंद नहीं करते ना दोनों एक दूसरे को, तो बाजवा को एक्सटेंशन दिया जाएगा कि नहीं? ऐसे चीफ बना कर चुके, आर्मी के स्पोक्स पर्सन बना कर चुके, बाजवा अब भी उस कुर्सी के लोभ में, बाजवा चाह रहे हैं कि मैं टिका रहूं, और उस चीज पर टिके रहने के लिए वही खबर उड़वाई गई जो इमरान खान के खिलाफ फिर उड़ाई गई थी, कि बाजवा को के शाबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया। और इससे कुछ नहीं होना, सिर्फ बाजवा या तो अब आर्मी टेक ओवर करें या चुपचाप निकल जाएं। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।